दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम आज क्या है, आज के जो चैप्टर हैं, कल जो हमने आपको पढ़ाया था समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये चारों जो पढ़ाए हैं उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। एक आज क्लास होगा, एक क्लास और होगी इसी क्वेश्चन से, फिर हम लोग इसके बाद सर्कल यानी वृत्त पर चलने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या है, और आज का बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, यानी डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, बस यही दोस्तों। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब सिंपल सी बात है, कल हमने आपको इसका ट्रेपिज्म का हमने आपको फिगर बना के दिखाया था। इसे मान लीजिए ये कोई समलंब चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी है ना, इसके समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, समांतर भुजा के जो बीच की दूरी है यानी यहाँ से जो बीच की दूरी है वह कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है वह उसकी ऊंचाई होती है, यानी सबसे छोटा दूरी जो दो भुजाओं के बीच की होती है वह उसकी ऊंचाई ही होती है, तो उसके बीच की दूरी का मतलब उसका ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का रहा ज्ञात करने, तो कल याद कीजिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 गुने समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, यही ने पढ़ाया था, योग मतलब समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, यही हमने आपको बताया था। तो अगर हम बात करें 1/2 गुने समांतर भुजा क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 8 + 6 और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4, 2 से काट दिए, 2 × 4 8 × 6 कितना हो गया, 14 × 2 यानी कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कन्फ्यूजन के लिए आपको ऊंचाई में वो हर बार बदलाव करते रहेगा, है ना। तो कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है, हमें सिंपल विधि से हम जो फार्मूला आपको पढ़ाएं सबका एक एक फार्मूला पढ़ाएं, बस आपको वही याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समलंब का ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जाइएगा मत, जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी समलंब मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यानी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा ज्ञात करें। मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दिया हुआ है कि एक समलंब मैदान है, मतलब मान लीजिए एक समलंब मैदान बना लेते हैं हम लोग, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रेपिज्म में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फिगर जरूर बनेगा, फिगर से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए हमने ये ट्रेपिज्म बनाया ए बी सी डी, है ना। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अभी तुरंत हमने बताया समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, मतलब आपको एच दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि समांतर भुजाओं का जो अनुपात है, यानी ये दोनों का जो अनुपात है 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, अनुपात दिया है, तो आराम से निकल जाएगा कैसे। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो समांतर भुजा है, है ना, पहला भुजा मान लेते हैं, इस सबको एक्स मान लीजिए, तो 5x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3x, है ना, अनुपात में, क्योंकि जिससे अगर इसमें गुना करेंगे उससे इसमें भी गुना करेंगे, अनुपात का रूल होता है दोस्तों। अब अगर इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5x + 3x और गुना में हाइट यानी 24। तो चलिए दोस्तों क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल लिख देते हैं 1440, है ना, बराबर 1/2 गुने, अब इसको जोड़ेंगे 5×3 कितना हो गया, 8x गुने 24, काट दीजिए 12×2 = 24, 12 से इसको काटिए बराबर है 44 से 120, यानी 8x बराबर क्या हो गया, 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/8 = 15 = 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब क्या करेंगे, अब चूंकि देखिए 5x यहाँ दिया हुआ है, तो 5 को मतलब 5x x की वैल्यू कितनी है, 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5×15, तो 15 = 75, अब इसका निकालेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×3 =
45, यानी सबसे बड़ी भुजा पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा 75, अगर छोटी भुजा पूछता तो 45। तो इसमें हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि देखिए कितना हमने ट्रिकी सॉल्व कर दिया तुरंत। तो बस आपको यही दिमाग लगाना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका आ गया तो आप समझ गए। और दूसरी बात इसमें यह हमेशा याद रखेगा, इसका फिगर जरूर बनाइएगा, है ना। फिगर बन गया तो आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है लेकिन हमारा काम है, फर्ज है बताना। तो क्वेश्चन क्या है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल यदि 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई ज्ञात करें। और ये सब एग्जाम क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, SSC और रेलवे और हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिखा है। हम जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी होता है। अब चूंकि समलंब की दो समांतर भुजा की लंबाई दी हुई है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सिंपल बात है क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अपने आप ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा कितना है, 15 और 20 है, गुने में क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 175, है ना, बराबर 1/2, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 15 कितना हो गया 35 गुने एच, ये इधर जाके गुना हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा 175 गुने 2। अब चूंकि ये इसके साथ गुना में तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, ये इसके साथ गया तो गुना हो गया। अब चूंकि ये गुना में इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब इसको काटिए तो कितना मिनट कट जाएगा, 5 से काटिए, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, फिर काट दीजिए इसको 5 × 5 = 10, यानी हाइट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए कितना इजी हो गया, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है इसका और कुछ नहीं याद रखना। तो फार्मूला से समांतर भुजा का अनुपात भी हम दिखा दिए, हाइट भी कैसे निकालते वो भी दिखा दिए, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हमने यह भी दिखा दिए। तो समलंब के जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों हम वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वो जब हम सर्कल पढ़ा देंगे तब उसके बाद इकट्ठे सार जितना भी क्षेत्रमिति है, लगभग 3 क्लास हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहे हैं, उसको मत देखना भूलिएगा। और वह लंबा लंबा सेशन चलेगा, लंबी यानी आधे घंटे की सेशन होगी और 3 घंटे में हम पूरे क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हम उसको आज वो हम क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस का, उसमें ये मिला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको देखे बिना मत जाइएगा। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको देखे बिना मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 60 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, मतलब समांतर भुजा का दिया हुआ है आपको और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है तो क्या क्षेत्रफल निकाले। समांतर भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई। न आधार का पता न ऊंचाई का पता तो कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है दोस्तों, हमने याद कीजिए हमने तीसरी पार्ट जो हमने आपको बनाई थी उसमें हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, अभी पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ाया था आपको, देखिएगा कि ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके एक विकर्ण मान लेते हैं ये है। अब इसका पहले लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए, ये 60 मीटर क्या हो गया लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई 40 मीटर और विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई 80 मीटर। तो हमने तीसरे पाठ में आपको एक चीज पढ़ाया था विषमबाहु त्रिभुज, हमने तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो असमान हो, हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। अब देखिए तो ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसमें आधार है ना ऊंचाई है तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको हमने एक विकर्ण जो यहाँ बीचों बीच दिया, इससे दो त्रिभुज बन गया, हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, दो त्रिभुज बन गया, कौन कौन, ए सी डी और त्रिभुज ए बी सी। तो हम एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल ए सी डी, है ना, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं। अब देखिएगा इससे क्या फायदा होगा कि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि इसकी भी तीनों भुजा वही है, इसका भी तीनों भुजा वही है। तो एक का निकालेंगे उसमें दो से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हमने आपको बताया था इसमें हीरोन फार्मूला लगता है, क्या लगता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि s निकाले, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके तीसरा पार्ट जरूर देख लेंगे, है ना दोस्तों। तो फिर अगर s निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए
40 प्लस 60 प्लस 80 अपॉन 2 यानी अर्ध परिमाप होता है। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 180 बटे 2 यानी ये कट गया 90 बार में, यानी s का वैल्यू कितना आ गया 90, कितना मीटर में दिया हुआ तो मीटर हो गया। अब फार्मूला पर रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा s यानी s का वैल्यू 90 और माइनस डायरेक्ट गुना कर देते हैं दोस्तों, है ना, तो 90 ये 90 हो गया, 90 में से 8 a इसी को मान लेते हैं, 90 में से 40 गया 50, है ना, 90 में से 60 गया 30 और 90 में से 80 गया 10, है ना, यही तो इसका क्षेत्रफल होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो दोस्तों देखिए पहले जो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 9, हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 3 और इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10। अब देखिए क्या होगा, इसमें से 1 10 2 10 3 10 4 10 यानी 4 को 10 है तो 4 को 10 में से 2 को 10 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा रूट के अंदर। उसके बाद अब देखिए 9 का रूट क्या होता है 3, है ना, तो अगर 9 का रूट 3 होता है तो ये 5 बच गया और कौन बच गया 3, ध्यान दीजिएगा ये 5 और कौन बच गया है 3, अब 5 और 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो यानी रूट 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा 10 दहेंगे 100 और गुना 3 करेंगे 300 रूट 15 हो गया। अब चूंकि हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गो त्रिभुज है, इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो 300 रूट 15 3 दूनी 600 रूट 15 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है अब बाय द वे मान लेते हैं, है ना, तो देखिए इसे फार्मूला का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, विषमबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल किया और सवाल सॉल्व हो गई, तो इसलिए जो भी हमने आपको पढ़ाया क्षेत्रमिति में वो एक न एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक एक पार्ट को आपको देखना पड़ेगा तब जाके चतुर्भुज आपको पूरी तरह से समझ में आएगी और ऐसा समझ में आएगा कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो और फिर हम क्वेश्चन लाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन कल फिर लाएंगे, लेकिन इतना में खत्म नहीं होता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में चाहिए प्रैक्टिस तब जाकर के वो आपका अपना बनेगा, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना का हम लास्ट में आधे आधे घंटे के 3 सेशन लेंगे और तीनों सेशन में पूरा का पूरा जितना भी क्षेत्रमिति है हम सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लाएंगे और लगभग हम आपको 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं उस तीनों पार्ट में, इसलिए कहीं मत जाइएगा, जरूर देखिएगा तीनों पार्ट को। तब तक के लिए दोस्तों जब तक वो आते हैं तब तक बाकी जो पाठ है उसको देखना आपको जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, है ना, तो बाकी सारे पाठ आप जाकर के जरूर देखें दोस्तों, हम आपसे यही विनती है तब जाकर आपको क्षेत्रमिति क्या होगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए कल फिर क्या है आपको बता ही दिए, कल क्या आने वाला है, कल आपका आने वाला है क्वेश्चन आवर, यानी बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कल फिर, है ना, उसके बाद हम सर्कल पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे, सर्कल को खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा क्षेत्रमिति क्या होगा खत्म होगा, फिर हम क्वेश्चन आवर ला करके पूरा क्षेत्रमिति खत्म करने वाले। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।